जी नमस्कार, मेरा नाम जगमोहन ठाकुर, मैं अध्यक्ष युवा खेल समिति सोलन। आज हमने सोलन में जो है तिरंगा यात्रा निकाली है, जो कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष में यहाँ निकाली गई है। और इसका मेन उद्देश्य यह था कि हम सभी युवाओं को जागरूक करें, हम एक साथ रहें, मिलजुल कर चलें, इसी के लिए जो तिरंगा यात्रा निकाली गई जी। यह यात्रा आज हमारी PW रेस्ट हाउस से शुरू होकर सकून चौक, नया बस अड्डा, चंबा घाट और फिर से मॉल रोड, मशरूम चौक और कोटला नाला, शांति से वापस होकर ठोडो ग्राउंड में इसका समापन हुआ, समापन समारोह। हम युवाओं से ये अपील करते हैं कि युवा हमेशा युवा से हम यह अपील करते हैं कि सभी मिलजुल कर जो है एक साथ रहें, आगे बढ़ें और हमेशा जो है देश के लिए आगे आकर एकजुट रहें। यात्रा आज यहाँ सोलन में करने जा रही है और इस यात्रा का जो मकसद है, उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा, उसको किस तरह से जो है उसको ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और किस तरह से जो है गांव-गांव में, शहर शहर के कोने कोने में जो हमारे युवा है उन्हें जो हमारा तिरंगा है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में पता लगे, उसके लिए ये तिरंगा यात्रा आज यहाँ पे सोलन में की जा रही है। और इस तिरंगा यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा युवा जो है वो आज जो है हर जगह जा कर के, हर एक बुलंदियों पे जा कर के, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और आपके चाहे पायलट है या कोई और भी कोई प्रोफेशन है, वहाँ पे जा कर के इन अपने तिरंगे को लहराए।